हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल्स। और आज हम बनाएंगे ये। हमेशा एडवांस चीज़ें हम नहीं बना सकते, कभी कभी सिंपल चीज़ों से भी हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर चलो हम देखते हैं कि यह हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले मेरे पास पेपर का एक इमेज है, इसे मैं यहाँ रख दूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास एक स्केच का पीएनजी है, उसको भी मैं इस पेपर के ऊपर रख दूंगा। एंड उसके बाद मेरे पास एक हैंड का पीएनजी है, उसे भी हम पेपर और आर्ट के ऊपर रख देंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अब इस स्केच या आर्ट को हमें पेपर पर सही से ब्लेंड करना है, उसके लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाएंगे और इसे मल्टीप्लाई पर सेट कर देंगे। तो ये पेपर पर कुछ इस तरह से अच्छा लगेगा। अभी टाइमलाइन पर कुछ इस तरह से दो पॉइंट्स बनाने हैं हमें। फिर इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से मास्क कर देंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अब इस लेयर को ओपन करते हैं, इसके मास्क वाले ऑप्शन पर जाएंगे और मास्क पाथ के स्टॉपवॉच पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास सेकेंड मार्क पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अभी फर्स्ट मार्कर पर आते हैं और इस मास्क के नीचे के दो पॉइंट्स को हमें ऊपर ले जाना है ताकि ये स्केच इस तरह से गायब हो जाए। और जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। एंड नाउ हम इस हाथ को जहाँ से स्केच की शुरुआत होती है वहाँ जाकर रख देंगे। फिर इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे एंड स्टॉपवॉच पर क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब आप कंट्रोल प्लस राइट बटन को क्लिक करके टाइमलाइन पर एक फ्रेम आगे जा सकते हो। तो इसी तरह से आपको 5 फ्रेम आगे जाना है। एंड इस हैंड की पीएनजी को हमें कुछ इस तरह से मूव करते हुए इसके अगले छोर पर ले जाना है। अब फिर से 5 फ्रेम आगे जाएंगे और इस हैंड की पीएनजी को फिर से दूसरे छोर पर ले जाएंगे कुछ इस तरह से। फिर से 5 फ्रेम आगे जाना है और इसी तरह से हैंड की पीएनजी को आगे पीछे करते रहना है। ये तब तक करना जब तक स्केच खत्म ना हो जाए। तो एट द एंड ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। अब एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले हाथ का कुछ और भी मूवमेंट होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं बिना कोई चेंजेस के। फिर टाइमलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे और मैं हाथ को नीचे ले जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हाथ ऊपर आकर ड्राइंग बनाएगा। लास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी है। मैं एक की फ्रेम बिना कोई चेंजेस के लगा देता हूँ और एक की फ्रेम जिसमें वो हाथ ऊपर चला जाएगा। ये शुरू के 2 की फ्रेम और लास्ट के 2 की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस कर देंगे। तो ये देखो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई हैं। अभी इन सबको सेलेक्ट करना और प्री कम्पोज कर देना। नेक्स्ट हमें इस प्री कम्पोज को 3D बनाना है। अब इसके स्केल प्रॉपर्टीज को ऑन करो एंड उसके स्टॉपवॉच पर क्लिक करो, जिससे सेकेंड मार्कर पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। साथ ही इसके रोटेशन प्रॉपर्टी को ऑन करना है। इसके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से X, Y और Z वाले के स्टॉपवॉच पर क्लिक कर देना है, जिससे 3 की फ्रेम और ऐड हो जाएंगे सेकेंड मार्कर पर। अभी U प्रेस करना ताकि हमें जितने भी की फ्रेम्स ऐड हुए हैं वो दिखने लगे। अब आपको फर्स्ट मार्कर पर आना है। अब यहाँ हमें इनकी वैल्यूज पर कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे कि मैं Z के एंगल को 30 डिग्री, Y के एंगल को 30 डिग्री एंड X के एंगल को -30 डिग्री कर देता हूँ। साथ ही हमें स्केल का वैल्यू 120 रख देते हैं और टाइमलाइन के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर हमें स्केल की वैल्यू को 400 से बढ़ा देना है। अभी शुरुआत में स्केल की 2 की फ्रेम है, उसे सेलेक्ट करना और कुछ इस तरह का फ्लो बनाना और इसे आप अप्लाई कर दो। उसके बाद हमें इस सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, बस शुरुआत की एक को छोड़कर। फिर उसमें कुछ इस तरह का फ्लो बनाना जो शुरुआत स्लो से हो, फिर फास्ट, फिर स्लो, एंड इसे अप्लाई कर देना। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अभी जो है इसके कोनों पर हमें ब्लैक सा नज़र आ रहा है, तो इसे हटाने के लिए मैं इस पर एक इफेक्ट ऐड करूंगा, CC रेप्टाइल्स। इसे हम इस लेयर पर ऐड कर देंगे और यहाँ इन सभी की वैल्यूज को 1000 कर देते हैं और स्टिलिंग पर आकर इसके ऑप्शन को अनफोल्ड पर सेट कर देंगे। इस प्री कम्पोज पर एक और इफेक्ट ऐड करना है, वो है CC वेरिएंट। और हाँ, हम एक चीज़ भूल गए थे, इस हाथ पर एक ड्रॉप शैडो ऐड कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही अजीब लग रहा है। इसके सेटिंग्स पर आकर मैं इसके सॉफ्टनेस को 100 कर देता हूँ और डिस्टेंस को 50 बढ़ा देता हूँ, तो ये कुछ ठीक लगेगा। नाउ आप अपने मेन कॉम्प पर वापस आते हैं और एट द एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो थैंक यू, ये इतना ही सिंपल था। और आपको किस किस तरह का एनिमेशन चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए।